शुरू कर रहे हैं, इलास्टिसिटी विस्कोसिटी का मॉडल डिस्कस कर रहे हैं। जो भी डाउट होगा तुम बता देना और मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक, 1 से 3, 4 से 6। क्वेश्चन फोर अच्छा, थर्ड नंबर थर्ड, थर्ड में देखो, थर्ड में तो कुछ भी नहीं है। फाइंड द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इन ईच वायर, इस वायर इस वायर में। तो यहाँ का टेंशन निकाल नहीं सकते हो भाई, इसका एक्सेलरेशन निकालना। लॉज ऑफ मोशन के सहायता से तुम यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन, लॉज ऑफ मोशन की सहायता से यहाँ का टेंशन, यहाँ टेंशन निकाल सकते हो। देखो जो एक्सेलरेशन आएगा, दैट इज ब्लॉक सी का मास कितना है, ईच ऑफ मास 4 kg ना, तो 4 kg 4g दिखाओगे। एक्सेलरेशन क्या आएगा, 4g डिवाइड बाई टोटल मास, टोटल मास इज 4 + 4 + 4, 12। इससे एक्सेलरेशन आ गया। फिर यहाँ का टेंशन टी तुम निकाल लोगे, लेट्स T1। यहाँ का टेंशन टी, लेट T2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर में तो 4g - T1 = 4 × a। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, T2 = mass × a। तो T2 = mass 4 × a। इससे आपको टेंशन T2 आ गया और T1 भी आ गया। एक बार T1 T2 आ गया, ठीक है, तो आप क्या पूछ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू यंग मॉडुलस, ठीक है। और उन्होंने क्या दे रखा है, रेडियस दिया है, देखो एरिया दिया ना, बोथ क्रॉस सेक्शन एरिया इज दिस वन। तो आप क्या लिखोगे, इस वायर का, इस वायर जो T2 वायर है, इसका स्ट्रेस क्या होगा, T2 डिवाइड बाई एरिया, स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, उन्होंने पूछा है स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेन यहाँ आ जाएगा इक्वल टू यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस उन्होंने दे रखा है, देखो दिस वन इज यंग मॉडुलस। उठा के यहाँ रख देना, T2 की वैल्यू प्लेस कर देना, ए की वैल्यू दिया गया प्लेस कर देना, स्ट्रेन आ जाएगा इस वायर का। द सेम इस वायर का भी स्ट्रेन आप निकाल लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। 4 में कह रहा है कि बार ऑफ मास क्रॉस सेक्शन दिया इतना इतना इतना, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस एट दिस प्लेन इन द टर्म्स ऑफ Fa, टेंसाइल स्ट्रेस। तो देखो ये फोर्स F के बराबर है, ये मैंने क्लास में बताया था हम इसका, ये वाला एंगल थीटा है ना, तो ये इस एरिया पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे ना Fn। तो Fn इज व्हाट, दिस इज F साइन थीटा और दिस इज F कॉस थीटा। अब जो टेंसाइल स्ट्रेस है, टेंसाइल वो इस एरिया के परपेंडिकुलर से आता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। तो टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा तुम्हारा F साइन थीटा डिवाइड बाई एरिया, ये टोटल एरिया ए लिखेंगे, टोटल एरिया ए लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर में। बी पार्ट शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एरिया के सरफेस के पैरल होता है, दैट इज एफ कॉस थीटा डिवाइड बाई एरिया ए। फिर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द टेंसाइल स्ट्रेस इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब होगा बेटा, जब साइन थीटा 1 होगा ना, दिस मीन्स थीटा इज 90 डिग्री। फिर कह रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा शेयरिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम, शेयरिंग स्ट्रेस का मैक्सिमम होगा जब कॉस थीटा 1 होगा, देन थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है। सर इसमें आंसर्स दूसरे दिए हैं। क्या दिया बताओ, फर्स्ट पार्ट का दिया है। सर देखो ये कहा ना, एंगल थीटा विद द प्लेन एट राइट एंगल टू द बार, ये एरिया है ना, उन्होंने एरिया इसको दिया है ना ए, हमने पता नहीं किसका एरिया लिया, हमने इसका एरिया ए मान लिया था ये वाला। तो ये एरिया A1 है ना, लेट्स दिस इज A1, यहाँ पे A1 लिखो ना, A1, ठीक है। अब इस A1 को इस ए के टर्म में निकालना पड़ेगा ना, तो ये क्या है, ये A1 है, ये वाला एंगल थीटा है और दिस इज ए। तो क्या लिखेंगे बेटा, कॉस इक्वल टू ए अपॉन A1, देन व्हाट इज A1, A1 इज ए अपॉन कॉस थीटा। तो इस A1 को उठा के यहां प्लेस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ये का कॉस थीटा है ना, तो एफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई ए बनेगा, और ये क्या बनेगा, एफ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए बनेगा। तो जो पहले का आंसर है उसमें साइन कॉस आएगा, दूसरे का ऑप्शन में कॉस स्क्वायर आएगा। और ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब थीटा 45 डिग्री होगा, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है, सर सर वो एफ में एफ को इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, इसके बाद 7th कौन सा, सेवेंथ क्वेश्चन नंबर, उसमें सर वॉल्यूम में समझ में नहीं आ रहा था, ख्याल है एनर्जी क्वेश्चन पर नंबर, यूनिट वॉल्यूम ही रखते हैं। सेवेंथ, तो बस क्वेश्चन पूछा करो, व्हेन द लोड ऑन द वायर इंक्रीज बाय स्लोली इतना टू इतना, द इलांगेशन इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, हाउ मच वर्क डन इज ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ द वायर इज, ठीक है। तो ये
क्या करेंगे ना, पूछ रहा वर्डन कितना होगा, तो वर्डन इज व्हाट, वर्डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे क्योंकि स्लोली है। अब पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा देखो, अच्छा इसमें एक चीज देखना, एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, ये है कि 2 kg पे इलॉन्गेशन 0.6 दे रहा है ना, तो क्या लिखोगे, वेट कितना आएगा 2g, बराबर स्प्रिंग जैसा बिहेवियर शो करता है, तो क्या लिखोगे k इंटू एक्स, तो k इंटू 0.6 mm है ना, इसको ऐसे लिख लो, ये अभी एक प्रॉब्लम आ जाएगी, k की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। अब 4g यहाँ पर रखो, 4g दैट इज k इंटू एक्स कितना है 1 mm है, देखो ये वैल्यू ना अलग अलग आती है, तो ये लास्ट ईयर ही इस मॉड्यूल में दिक्कत हो गई थी। देखो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2/6 आ रहा ना, तो 1/3 बनेगा, यहाँ से 4 बन रहा है, तो k डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो इनको इसमें एक मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर, उनको क्या करना चाहिए था ना, ऐसा क्वेश्चन देना चाहिए था जिसपे जब वेट लिखे ना, वे लोड ऑन वायर इंक्रीजेस स्लोली फ्रॉम इतना टू इतना, लोड 2 kg था ना तो इलॉन्गेशन 0.6 था, जब 4 kg है तो इलॉन्गेशन 1 दे रहा है, तो इसमें ना इस के का प्रॉब्लम आ गया, ये वैल्यू ऐसी देनी चाहिए थी ताकि ये के सेम आए, अगर के सेम आ जाता ना तो आप क्या लिखते हैं इसको, हाफ के एक्स स्क्वायर, के फाइनल कितना है 1 mm है, तो 1 mm का स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के, इनिशियल एक्स कितना है 0.6 है ना, तो 0.6 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करते तो आंसर आता है। तो इन्होंने इसमें एक मिस्टेक कर रखा हुआ है, तो लास्ट ईयर से इस मॉडल के अंदर मिस्टेक है, के की वैल्यू ना सेम आनी चाहिए थी, तो इन्होंने इलांगेशन जो लिखी है 0.6 से 0.1, उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, बस उनको सिर्फ यही देना चाहिए था कि जब वेट 2 kg है तो इलांगेशन 0.6 है, जब वो 4 kg हो रहा है तो बताइए कितना उसको वर्णन करना पड़ेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। तो जब जरूरत नहीं थी तो हम क्या करते, इसको ऐसे ही रहने देते, हटा दो, यहाँ से हम लोग के निकाल लेते, इस के को उठा के यहाँ प्लेस कर देते, आंसर आता बस ये, और ये एक्स ना तुम अलग से निकाल लेते, कौन सा फाइनल वाला एक्स, ये वाला फाइनल एक्स कैसे आता, एफ बराबर के एक्स से जाता, एफ कितना है और वेट कितना है 4 kg है ना, तो 4 × g इक्वल्स टू के ऊपर से जाता इंटू एक्स फाइनल निकाल लेते, तुम समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियल वेट बराबर के एक्स लिखा, इससे के आ गया, फिर फाइनल जो वेट आ रहा है 4g बराबर के एक्स किया, इससे फाइनल एक्स आ गया, वर्डन क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाफ फाइनल एक्स का स्क्वायर माइनस हाफ के स्क्वायर, के भी पता है एक्स फाइनल भी पता है, उठा के प्रेस कर दो आंसर दे देगा। तो ये लास्ट ईयर ही मिस्टेक था इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट टू पे आता है, पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके इसको ना चेंज कर लेना तुम ना, इस क्वेश्चन में ना ये काम करो, ये हटा दो यहां से, ठीक है, और ये जो है इसको क्वेश्चन को चेंज करके लिख लेना, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ एक्चुअल क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, यहाँ से एक्स फाइनल आएगा और ये इस पे ना तुम ब्लैक वो लगा दो, ये ब्लैक लगा दो, ठीक है बस। तो ये 4 kg है ना, तो 4g बराबर के इंटू एक्स फाइनल कर लेना, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें चेंज कर लेना, लास्ट ईयर भी चेंज करवाना था इसको, इसके पार्ट टू में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक, 5 से लेके 9 तक, 5 से लेके 9 तक, कौन सा करा कि आई स्क्वायर अ ब्रास प्लेट ऑफ साइड लेंथ इतना, थिकनेस इतना, इज सब्जेक्टेड टू फोर्स एफ इन द स्मॉलर अपोजिट इज कॉजिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इतना सेंटीमीटर, इफ द शियर मॉडुलस इज दिस वन देन वैल्यू ऑफ द एफ इज, देखो इस तरीके से दिया गया कि स्क्वायर ब्रास प्लेट है ऐसा, इस तरीके से, और साइड 1 mm है, थिकनेस इतना mm है, मतलब ये साइड ये जो है 1 mm है, और ये जो थिकनेस है दिस थिकनेस इज 0.05, ये 1 mm है ना, इतना है दिस वन, और ये स्क्वायर है, ये भी 1 मीटर होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अब फोर्स इस स्मॉलर एरिया पर लगा हुआ है पैरेलल से, कह रहा है कि कॉजिंग डिस्प्लेसमेंट, ये जो है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये वाला दैट इज 0.02 सेंटीमीटर हो रहा है। तो पूछ रहा है कि शियर मॉडुलस इतना है तो वैल्यू ऑफ फोर्स बताइए, तो क्या लिखेंगे, शियर मॉडुलस ईटा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस,
स्ट्रेस क्या होगा, एफ अपान ये वाला एरिया, तो एफ अपान एरिया, ये वाला एरिया कितना निकालोगे, एरिया आएगा दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, तो 1 × 0.005 स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन याद करो मैंने कहा था ना कि जो टेन थीटा आता है, थीटा बहुत इस फॉर्म होता है, थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ये थीटा स्ट्रेन होता है, दिस लेंथ अपान दिस लेंथ, इस लेंथ को इसे डिवाइड कर दो, तो दिस इज 0.02 सेंटीमीटर है ना, एंड डिवाइड बाई ये लेंथ कितना है 1 मीटर, दिस इज शियर शियर स्ट्रेन, उठा के प्लेस कर दोगे शियर का फोर्स एफ आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, तो फोर्थ वाला बता। फोर्थ वाला कह रहा है कि द लोड वर्सेस इलोंगेशन ग्राफ ऑफ द फोर वायर ऑफ सेम मटेरियल इज शोन इन द फिगर, द थिनेस्ट वायर इज रिप्रेजेंट बाय द लाइन, कौन सा वायर थिनेस्ट है, तो लोड अपान इलोंगेशन है ना, तो एफ बराबर के एक्स पढ़ते हैं ना, एफ बराबर के एक्स, के एक्स अच्छा, के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, के जगह पे होता है वाई ए अपान एल, याद करो वाई ए एल होता होता है। अब तुम एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, तो सब देखो सेम फोर्स पे सबसे ज्यादा इलॉन्गेशन किसका है, ए का है ना, सबसे ज्यादा इलॉन्गेशन देखो ए का आ रहा है, सेम फोर्स पे, सेम फोर्स पे सबसे ज्यादा इलॉन्गेशन किसका आ रहा है, ए का आ रहा है, बी का तो बस इतना ही है, सी का बस इतना ही है, और डी का तो बस इतना ही है, तो सबसे इलॉन्गेट कौन हो रहा है, ए हो रहा है, ए का इलॉन्गेशन ज्यादा होना चाहिए, तो फोर्स सेम है, मटेरियल सेम है, तो यंग मॉडुलस सेम होगा, और लेंथ सबका सेम है, लेंथ सबका सेम है, लेंथ सबका सेम है, फोर वायर ऑफ सेम मटेरियल इज शोन इन द फिगर, द थिनेस्ट वायर, थिनेस्ट वायर कौन सा होगा, अगर एक्स ज्यादा आएगा तो ए क्या होगा, कम होगा, जिसका इलोंगेशन ज्यादा होगा उसका एरिया क्या होगा, कम होगा, तो एरिया कम किसका होना चाहिए, ये का होना चाहिए, तो ओ एज होगा वो थिनेस्ट होगा, पतला वायर एरिया कम का। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एक्सरसाइज टू, सर उस क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा था कि मतलब सबका लेंथ सेम है, नहीं वो डिफॉल्ट केस में मानना पड़ेगा, डिफॉल्ट तो केस में मानना सेम था। सर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ट्वेल्थ वाला, क्वेश्चन नंबर 12 वाला कह रहा है ट्वेल्थ कि ए स्फीयर इज ड्रॉप जेंटली इनटू द मीडियम ऑफ द इनफाइनाइट एक्सटेंट एंड द स्फीयर फॉल द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन इट इज, तो फोर्स धीरे धीरे घटने लगेगा ना, जैसे स्फीयर को तुम छोड़ोगे तो एम जी नीचे पर काम करेगा और विस्कस फोर्स ऊपर काम करेगा ना, जो कि होगा 6 पाई ईटा आर बी, तो शुरू में स्पीड कम होगा तो नेट फोर्स शुरू में ज्यादा है, और जब स्पीड बढ़ने लगेगी तो विस्कस फोर्स बढ़ने लगेगा, जब विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो नेट फोर्स कम होने लगेगा ना नीचे को, तो नीचे का फोर्स कम होने लगेगा, कब तक कम होगा, जब तक जब ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, जब इक्वल हो जाएंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और पार्टिकल टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो मैं क्या कहूंगा नेट फोर्स पहले धीरे धीरे डिक्रीज ठीक करेगा और करते करते बाद में जीरो हो जाएगा, हो गया ठीक है, बोलो अनुष्का। यस सर आ इसके बाद एक्सरसाइज टू, जेई मेंस के टॉपिक आते हैं, जेई मेंस के क्वेश्चन में 1 से लेके 4 तक, 5 से लेके 8 तक, 9 से 11, 10 क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कह रहा है कि अ पेंडुलम ऑफ यूनिफॉर्म आयर क्रॉस सेक्शन दिया है, हैज द टाइम पीरियड टी, When additional mass m is added to the bob, the time period is tm. The Young modulus of the material of the wire is y. Then इतना is. देखो, a longitudinal, a pendulum made of the uniform wire of cross section area a and the time period t. इसको pendulum इसे बना दो. ठीक है, इसका मैं को mg दिखा दिया. ठीक है. एंड टाइम पीरियड टी, तो टी के बराबर क्या लिखोगे, टी बराबर लिखोगे तो 2 पाई √L, इनिशियल लेंथ एल नॉट मान लो, तो एल नॉट अपॉन जी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन एडिशनल मास कैपिटल एम इज एडेड टू द बॉब द टाइम पीरियड इज टी एम, दिए गए मॉडल समेट दिस दिस, ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, टी एम बराबर 2 पाई √ फाइनल लेंथ मान लो एल होने लगे, मास रखोगे तो इलॉन्गेटेड हो जाएगा ना अपॉन जी। अब तुम क्या करो, इसको इसे डिवाइड कर दो, टीएम को इसे डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन क्या बनेगा, टीएम अपॉन टी बराबर √L/L0 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, अब हम क्या करेंगे, एल को एल नॉट के टर्म में लिखेंगे, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू यंग मॉडुलस लिखेंगे, तो स्ट्रेस जो आता है ना
वो जो एक्स्ट्रा फोर्स रखते हो उसकी वजह से आता है स्ट्रेस, एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप किए हो। तो एक्स्ट्रा मास कितना रखे हो तुम, एक्स्ट्रा मास तुमने कैपिटल एम रखा ना, कैपिटल एम, तो क्या लिखोगे, स्ट्रेस कैपिटल एम जी अपान एरिया, एरिया स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन होगा भाई फाइनल लेंथ एल है और इनिशियल लेंथ एल नॉट था, तो इलोंगेशन क्या हो गया, एल माइनस एल नॉट अपान ओरिजिनल लेंथ एल नॉट, तो ये स्ट्रेस अपान स्ट्रेन इक्वल्स टू यंग मॉडुलस। ठीक है, तो तुम क्या करना, यहां से एल उठा के यहां पे रख देना, आई स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई कर देना, वन अपान यंग मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक, 1 से 3, इसके बाद पार्ट सर, वन वाला था, क्वेश्चन नंबर वन 1, वाला। 1 में कह रहा है कि 1 मीटर लॉन्ग मेटल वायर ऑफ द लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन वी है इतना, एरिया इतना इज फिक्स एट द एंड ऑफ द रिजिड सपोर्ट एंड वेट डब्ल्यू इज हैंगिंग एट अदर एंड, क्रॉस सेक्शन एरिया 10^-6 है, यहाँ पे डब्ल्यू है। द ग्राफ शोज द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मेटेरियल टू द वायर इज अ फंक्शन ऑफ डब्ल्यू, यंग मॉडुलस ऑफ मेटेरियल ऑफ वायर इज। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखो, स्ट्रेस क्या आएगा, डब्ल्यू अपॉन एरिया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन होगा डेल एल अपॉन एल बराबर यंग मॉडुलस, तो यहाँ से क्या लिखोगे, डेल्टा एल बराबर लिखोगे, डेल्टा एल इक्वल हो जाएगा, इसको इधर भेजो तो ये बनेगा डब्ल्यू अपॉन ए वाई, एल ऊपर जाएगा ना तो ये बनेगा, देखो तो क्वेश्चन ये बनेगा, डेल्टा एल को इधर भेज दो, ये वाई नीचे आएगा, एल ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये एक वाई एक्सिस पे, देखो ये वाई एक्सिस पे है और ये कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई बराबर, ये बन गया डब्ल्यू अपान ए वाई इंटू एल, एक्स एक्सिस पे है ना, नहीं डब्ल्यू एक्स एक्सिस पे, तो लिखो एल एक्स एक्सिस पे, ये वाई बराबर एम एक्स बन गया ना, देखो दिस इज वाई बराबर एम एक्स, एम एक्स, तो ये स्लोप बन गया, स्लोप तो स्लोप तुम्हारा किसके बराबर है, द स्लोप इज इक्वल टू एल अपान ए वाई आ गया। तो अभी इस लाइन का स्लोप तुम्हें निकालना पड़ेगा, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, इस लेंथ को इसे डिवाइड कर दो, तो ये लेंथ किसके बराबर है, 10^-4, तो आप लिख लो 10^-4 डिवाइड बाई 10^-4 डिवाइड बाई, ये लेंथ कितना है, 100 है ना, तो आप लिख लो 100, 100 इज इक्वल टू एल, लेंथ 1 मीटर है ना, 1 मीटर डिवाइड बाई एरिया उन्होंने दिया ना, क्रॉस सेक्शन दिया 10^-6 इंटू वाई, सॉल्व कर दोगे यंग मॉडुलस आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 तक, पार्ट 2, पार्ट 2 में 1 से लेके और 4 तक सर, बोलो टेस्ट से मेरा मानना है कि अगर फिफ्थ ये 3 कर रहे, टेस्ट 3 ना, सचिन सर इसमें क्या करेंगे, 5 kg का ना, तो फोर्स क्या लिखोगे, 0.5 × g बराबर k × x², x क्या है, 3 mm है, इसे के की बुला गई तो वर्डन क्या होगा, प्रोड्यूसर जी बराबर दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, के एक्स क्या 3 mm है ना, ये तो इलॉन्गेशन है, लेंथ थोड़ी पूछ रहा है, अब के उठा के प्लेस कर दो, आंसर हो जाएगा। फिफ्थ देखो बताओ, यही प्रॉब्लम इस फिफ्थ क्वेश्चन का है, कह रहा है द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ऑफ स्टेल इज इतना, द यंग मॉडुलस इज इतना, द फोर्स कॉन्स्टेंट इज, अब ये ना बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, सही में बड़ा अजीब सा क्वेश्चन, कि इसको क्या कोई समझे भाई, भाई एक एटम है एक और एटम है, इस दोनों एटम ने एक दूसरे पर फोर्स लगाया, नहीं एटम ने फोर्स नहीं लगाया, किसने लगाया, किसने भी लगाया होगा, देखो एक एटम चिपका के रखे गए थे बट रह ना पाए, क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इससे पॉजिटिव चार्ज था, इसने इस पे फोर्स इधर लगा दिया, इसने फोर्स इधर लगा दिया, तो बीच की दूरी कितनी बन गई,
इतनी मीटर हो गई इंक्रीज करके। अब ये कोई कैसे समझा सकता, नहीं बता पाएगा। एफ बराबर के एक्स भी लिखेगा तो एफ पता नहीं है कि के निकाले। ये प्रेशर का यूनिट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और अगर तुम ये ऐसे निकालोगे वाई ए अपान एल निकालोगे तो वाई पता है ये नहीं पता है, कोई कैसे बताएगा होता। बेकार क्वेश्चन, उसी से कहा था ना ये क्वेश्चन बेकार है, छोड़ो इसका। ये सेक्शन में जब तुम आओगे ना पार्ट टू के सेक्शन में, तो इन्होंने कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर दिया, इसमें हर जगह मिस्टेक होगा। इसे छोड़ो एकदम मिस्टेक। तो सेवन, रुको सेवन मैं बोल रहा हूँ, नाइन्थ वाले रुको। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेवन सेवन कह रहा था मीन डिस्टेंस बिटवीन द एटम इज इतना, द एंटर एटॉमिक फोर्स कॉन्स्टेंट फॉर द इतना, द यंग मॉडुलस इज। ये तो उसी से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेवन है ना। अभी देखो गूगल पे लिखा हुआ है इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट बराबर होता है यंग मॉडुलस इनटू बीच का डिस्टेंस, ये होता है एक फॉर्मूला होता है इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट के बराबर यंग मॉडुलस इनटू बीच की दूरी, एटम के बीच की दूरी। अब रख दो तो आ गया क्वेश्चन नंबर सेवन, मीन डिस्टेंस इतना है के पूछा है, यंग मॉडुलस पूछ रहा है तो के अपन आर से निकाल लेना। फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछ रहे तुम, अब हो जाएगा ना। हाँ सर अब हो जाएगा सर, वही फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला ये है फोर्स कॉन्स्टेंट बराबर यंग मॉडुलस इनटू डिस्टेंस बिटवीन इंटर एटम, डिस्टेंस बिटवीन एटम, फोर्स कॉन्स्टेंट बराबर यंग मॉडुलस इन टू डिस्टेंस बिटवीन एटम। लिख लेना क्वेश्चन नंबर एट नाइन टेन, नाइन सर नाइन टेन नाइन्थ में से आ रहा है, फॉर गिवन मटेरियल यंग मॉडुलस इज इतना टाइम्स ऑफ रिजिडली मॉडुलस इन पॉइजंस रेशियो आर। चलो एटम करता है, इसके लिए जो यंग मॉडुलस है वो बराबर है 2.4 टाइम्स ऑफ रिजिड मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस, ईटा के बराबर। खैर पॉइजन रेशियो किसके बराबर होगा, तो देखो ये दिया गया इस तरीके से, मान लो फिक्स्ड, फिक्स कर दिया, इसका रेडियस आर के बराबर है। अगर तुम इसे फोर्स लगाओगे तो इसका रेडियस कम होगा ना, इसका रेडियस कम होगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, यंग मॉडुलस इक्वल टू बनेगा, यंग मॉडुलस बनेगा फोर्स एफ अपान देखो मैंने क्या किया इस तरीके से रॉड है, फोर्स एफ लगाया, रेडियस आर के बराबर है, तो स्ट्रेस क्या बनेगा, फोर्स अपान एरिया डिवाइड बाई इलांगेशन, मान लो डेल्टा एल हुआ, ओरिजिनल लेंथ एल है तो डेल एल अपान एल, ये बन गया। अब इसी फोर्स एफ को जो ऐसे लगाया है उसको इसके सर्फेस के पैर लगा दिया, तो क्या लिखोगे, एफ अपान ए इज इक्व टू, ये मान लो एक्स दूरी इधर भाग गया, एक्स दूरी इधर भाग गया, ये वाला एंड एक्स दूरी इधर भाग गया, ये वाला एंड एक्स दूरी इधर भागा। तो अगर ये मान लो ये लेंथ एल है तो क्या आएगा, दिस इज एक्स अपान एल बनेगा, एक्स अपान एल बनेगा। तो अब ये जो ईटा है, ये जो ईटा है इसके जगह पे ये 2.4 टाइम्स ऑफ ई है ना, तो इसको इसको डिवाइड कर दो, मतलब वाई को ईटा से डिवाइड कर दो, 2.4 आएगा, तो 2.4 की जो वैल्यू आएगी, 2.4 की जो वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू इसको इससे डिवाइड किया ना, इसको इससे डिवाइड किया, मतलब इसको इससे डिवाइड करोगे तो एफ अपन ये अपन कट जाएगा। और एक्स किसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ, वाई अपान ईटा, तो वाई अपान ईटा इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक्स ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स अपान डेल एल बनेगा, ये बनेगा ना।
अब x अपॉन डेल एल बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि पॉइजन रेशियो बेसिकली क्या है। पॉइजन रेशियो जो है, तुम मुझे बताओ अगर ये वाला एंड यहाँ पहुंच गया, इसका मतलब ये डायमीटर का चेंज है ना, ये डायमीटर का चेंज लग रहा है मुझे। देखो ये डायमीटर का चेंज है, एक्स क्यों डायमीटर का चेंज है, देखो ये था यहां पे, ये डायमीटर का चेंज कैसे हुआ। अगर यहां पे और ये यहां पे आ गया, पूछ रहे थे ना टेन में, कह रहा है कि द बल्क मॉडुलस ऑफ मॉडुलस इतना, पॉइजन इतना, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉडुलस एटम इतना, द इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट इज, ठीक है तो इसी से आ जाएगा द इंटर एटॉमिक कांस्टेंट क्या होगा, वो बराबर किसके होगा, अभी तो लिखे थे उधर के बराबर वाई इंटू आर, यंग मॉडुलस बल्क मॉडुल की तरफ से काम करेगा, तो बल्क मॉडुलस किसका 10/10 है। अब 20 की दूरी कितनी है, 3 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम में तो 10^-10 थी वैल्यू 3 हो जाएगी। अरे यार ये तो नहीं आ रहा है, 13 क्वेश्चन इसलिए हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा ना, ठीक है तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है डिफरेंशिएट कर दो, ये बनेगा एल इनटू पाई, ये बनेगा 2rdr प्लस आर स्क्वायर पाई इंटू डी एल, और कॉन्स्टेंट का जीरो बनेगा तो पाई से पाई कट जाएगा और एक आर से एक आर कट जाएगा, तो इससे से क्या आएगा, इससे आएगा देखो डी आर, डी आर टू एल डी आर, टू एल डी आर बराबर माइनस आर डी एल बनेगा, नहीं तो डी आर अपान आर, डी आर अपान आर यहां भेज दिया डिवाइड बाई डी एल अपान एल बराबर बनेगा माइनस वन अपान टू बनेगा, यही तो था पॉइजन रेशियो, डी आर अपान आर डेल्टा आर अपान आर लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दिस इज माइनस 0.5। और कौन था इसमें, पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.5 से हमेशा कम होता है, इक्वल टू या इससे कम होता है प्रैक्टिकली, तो 0.5 कैन नॉट बी, कौन नहीं हो सकता है, तो 0.7 नहीं हो सकता, 0.7। इसके बाद इसमें कौन सा डाउट था बताओ, 19 क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा हूँ, अ वुडन बॉल ऑफ डेंसिटी डी इज इमर्ज इन वाटर एट डेंसिटी डी डेप्थ टू द हाइट एच बिलो द सरफेस, अप टू व्हिच हाइट द बॉल विल जंप आउट ऑफ द वाटर व्हेन इट इज रिलीज, a wooden ball of density d is immersed in water at a density d to a depth h below the surface up to which height ball will jump out the when it is released jump out of the water, kitna distance niche rakhe taki surface ko chhod de, theek hai to ye hai is tarike se water hai to ye jo mean position ka kahin hoga, तो मीन पोजीशन इसका कहीं पे भी होगा, वाटर डी अप टू एच, मान लो एच हाइट तक तुमने यहां तक छोड़ा, यहां तक छोड़ा, तो यहां पे छोड़ोगे तो यहां पे जो फोर्स लगा होना चाहिए वो उसको रुको ये ना तुम इस क्यूबिकल बना लो इसको, ठीक है और क्यूबिकल होगा तो पहले से ही डूबा होगा तो इसका मीन पोजीशन होगा, नहीं तो इसका ये हाइट h कितना है, पहले से डूबा हुआ हाइट h1 है मान लो और ये हाइट h है तो क्या लिखोगे, h1 अपॉन h इक्वल्स टू, इसकी डेंसिटी कितनी है, वुडन ब्लॉक की डेंसिटी कैपिटल d है, वाटर की डेंसिटी क्या है स्मॉल d, ये होता है ना डूबा वाला वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इसकी डेंसिटी डिवाइड बाई इसकी, ठीक है इससे एच वन मिल गया तुमको कितना एच कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये तो वो है जो इक्विलिब्रियम पे डूबा होगा। अब क्या कह रहा है,
कैपिटल। अच्छा जब इसको और प्रेस करोगे तो कंडीशन नया ये बन गया, थी तो लाइन ये रहेगी। ये सरफेस है और ये, और हमने प्रेस किया इसको तो इतना आ गया, ये डिस्टेंस। अच्छा छोड़ोगे तो इसको क्या करना है, वापिस आ जाना है ना। तो इस सरफेस से मीन पोजीशन पहले कितनी दूरी पे था, h1 दूरी पे था। देखो इस सरफेस से मीन पोजीशन h1 दूरी पे था, ये h1 दूरी पे था और ये बन गया एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये एम्पलीट्यूड बन गया ना एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, h माइनस h1 होगा। अब रिलीज करोगे तो मीन पोजीशन से इतना ही दूरी उसको ऊपर जाना चाहिए। ये तो एच से कम है ना, कम से कम एच ऊपर जाना चाहिए ना। कंप्लीटली मस्ट मानना पड़ेगा उसको, बॉल को पानी से बाहर निकल गया, मतलब पूरा पानी। सर एच बिलो द सरफेस ऑफ वाटर है, तेरे दिख तो रहा है एच मीन पोजीशन एच एन दूरी पे। तो मैं बस ये कह रहा था कि अगर ये दूरी एच है तो इसको बाहर निकलना है तो पूरा एच बाहर निकलना पड़ेगा ना, तो इसका एम्पलीट्यूड कम से कम एच होना चाहिए। लेकिन एसएचएम कहाँ कर रहा है, उसमें तो नहीं लिखा है। लकड़ी है भाई, लकड़ी को अगर हल्का सा प्रेस छोड़ के तो ऑसिलेट नहीं करने लगेगा, तो पानी से। तो सर हल्का सा नहीं सर, वो पूरा पूरा इमर्स्ड किया गया है उसमें पानी में। तो अगर ऐसा है तो मान लो यहां तक छोड़ दिया गया, दूरी h होगी, इससे क्या मिलेगा पता नहीं। अगला बताओ तब तक। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन पहली बात कि जेई के सिलेबस पे नहीं है, इसमें गलती से क्वेश्चन पड़ गया है। इसका एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन रेशियो में, एंड दैट इज गिवन बाय यंग मॉडुलस y इज इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस म्यू, वेयर म्यू इज द पॉइजनस रेशियो, म्यू इज द पॉइजनस रेशियो। तो आप वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा यहाँ पे, यंग मॉडुलस इज 2 टाइम्स ऑफ रिजिडिटी ना, तो y इज अभी क्या लिख लेंगे 2.4 टाइम्स ऑफ ईटा रख दीजिए। अब ईटा से ईटा सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर देगा आंसर जाएगा, कितना आंसर आएगा देखिए, ये बनेगा 1.2, ये 1 तो आंसर इज 0.2। ओके क्वेश्चन नंबर 13 बात है, ये कह रहा है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इस तरीके से ठीक है, एक ब्लॉक है जिसको आपने एच हाइट नीचे तक रिलीज किया, तो यहां से छोड़ने में तो वाटर सरफेस कितना ऊपर जाएगा, तो मान लो एच वन डिस्टेंस ऊपर जाएगा यहां पे, तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके आता हम वार कर थर्म लगा देंगे ठीक है, तो बायंसी फोर्स ऊपर को काम करेगा ठीक है, बायंसी फोर्स और एम जी नीचे करोगा, तो वार कर थर्म यहां से लेके यहां तक, तो जब यहां से यहां तक जाएगा तो बायंसी तो वर्क बस इसी रीजन में करेगा, लेकिन एम जी का वर्डर यहां से लेके यहां तक आएगा ना, तो क्या लिखेंगे, बायंसी फोर्स एफ बी इंटू एच माइनस एम जी इंटू एच प्लस एच वन इक्वल टू चेंज ऑफ क्वांटिटी दैट इज जीरो, यहां से लेके यहां तक वर्क रिजल्ट लगा दिया,
तो यहां से यहां तक जाते समय बाई सी फोर्स का बर्डन एफ बी इंटू एच, बट एम जी तो यहां से लेके यहां तक वर्क करेगा, तो एम जी नीचे है डिस्प्लेसमेंट ऊपर, इसलिए निगेटिव बर्डन जीरो। अब यहां से आपको क्या निकालना था, एच वन वैल्यू निकालनी है, एच वन की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां से आप एच वन निकाल सकते हैं, दैट इज एफ बी अपान एच अपान एम जी, इसको इधर भेज दीजिए माइनस एच, दिस इज एच वन। अब आपको क्या करना होगा, एफ बी निकालना पड़ेगा, तो एफ बी क्या बायंसी फोर्स है, दिस इज जीरो जी, तो भी रो ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी डी है ना, तो यहाँ पे डी लिख दीजिए, यहाँ पे डी लिखिए, वी रो इंटू जी बायंसी फोर्स बन गया, और एफ बी अपान एम जी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एफ बी अपान एम जी, तो एम जी से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो एम क्या होता है मास इंटू उसकी डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू उसकी डेंसिटी, मास क्या होगा सॉलिड का मास होगा, सॉलिड का वॉल्यूम इंटू सॉलिड डेंसिटी इंटू जी, ये कैपिटल डी अपान स्मॉल डी बन गया, तो यहां से एच वन वैल्यू क्या आ गई, एच वन इज वॉट, एच वन वैल्यू आ जाएगी, एच कॉमन आ जाएगा इसमें से, देखो इसमें से एच कॉमन आएगा, एच कॉमन निकाल लो, तो एच कॉमन बन गया, एंड दैट इज कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी माइनस वन। ठीक है, तो ये वुडन ब्लॉक ऑफ डेंसिटी डी इज इमर्स इन वाटर ऑफ डेंसिटी टी, तो एच वन हाइट ना, तो एम जी का वर्डन इतना बनेगा, थोड़ा इतना बनेगा, तो एफ बी इंटू एच। ठीक है, तो इसको मैंने इधर भेजा ना, तो एच वन क्या आएगा, एच वन पानी के लिए एम जी डिवाइड करोगे, फिर एच भेजोगे, तो एफ वी भी रो ऑफ, अच्छा वी रो है ना, ये गलत हो गया, ये डी स्मॉल डी बनेगा, क्योंकि वी रो जी, रो में वाटर की डेंसिटी होती है, और ये वुड की डेंसिटी है, डी अपान स्मॉल डी अपान कैपिटल डी बनेगा। ठीक है, अरे भी रो जी में भी रो ऑफ वाटर होता है ना, तो वाटर की डेंसिटी लिक्विड डेंसिटी स्मॉल डी है, देखो वाटर डी स्मॉल डी, तो ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कह रहे हैं द सिलिकॉन ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज रेडियस आर, वन एंड ऑफ विच है द एन फाइनाइट होल ई ऑफ रेडियस आर, इफ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज ट्यूब इज वी, देन स्पीड ऑफ इंजेक्शन ऑफ लिक्विड थ्रू द होल इज, सिलिकॉन ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज रेडियस आर, वन एंड ऑफ विच हैज एन इनफाइनाइट होल, तो इस तरीके से यहाँ पे एन फाइन होल है, एन फाइन होल है। ठीक है, इफ स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन ट्यूब इज, इसकी स्पीड भी के बराबर है, द स्पीड ऑफ इजेक्शन ऑफ लिक्विड थ्रू द होल इज, इससे जो बाहर निकल रहा है, ठीक है, इसकी स्पीड वी वन की वैल्यू बताइए, तो सिलिकॉन ट्यूब ऑफ रेडियस आर कैपिटल आर हैज वन एंड ऑफ द एन फाइन होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम कंजर्वेशन कंटिन्यूटी कैसे लिखेंगे, यहां से कितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा, ए इंटू भी, तब क्या लिखेंगे, ए के जगह पे पाई आर स्क्वायर इंटू भी बनेगा, इज इक्वल टू इतना वॉल्यूम पर सेकेंड इधर चल रहा है, और यहां से एक से कितना निकलेगा, एक से निकलेगा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू भी वन, और टोटल कितने होल है, एन होल है भाई, ए इंटू भी पाई आर स्क्वायर इंटू भी, इससे यहाँ पे एन होल है, एक होल से ए इंटू भी पाई आर स्क्वायर इंटू भी वन, एन होल है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कंटिन्यूटी क्वेश्चन, जितना जैसे पानी आएगा वो पानी बाहर निकलेगा, तो यहाँ से क्या निकालना था हमें, स्पीड वी वन को निकालनी है, वट इज वी वन, तो यहाँ से वी वन की वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई से, देखो पाई से पाई कटेगा, ठीक है, तो ये आएगा आर अपान स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू वन अपान ईटा वी अपान ईटा। ठीक है, जो कि तुम्हें दिखा है फोर्थ पार्ट 26 में कह रहा है द फ्लो स्पीड ऑफ द एयर एंड लोअर एंड अपर सर्फेस ऑफ द विंग ऑफ एरोप्लेन इज बी, एंड इतना द डेंसिटी ऑफ द एयर इज रो एंड सर्फेस एरिया इज विंग इज ए, डायनामिक लिफ्ट ऑन द विंग इज, तो ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, इस तरीके से ये विंग है, ठीक है, यहाँ का और यहाँ पे एरोप्लेन फ्लो स्पीड ऑफ द एयर ऑन द लोअर एंड अपर सर्फेस ऑफ द विंग ऑफ एरोप्लेन इज बी एंड रूट टू बी, तो यहाँ की स्पीड भी है, नहीं रूट टू भी है यहाँ की स्पीड, और यहाँ की स्पीड भी है, लगा देंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, यहाँ यहाँ कंटिन्यूटी करो, यहाँ यहाँ पे बर्नौली का इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ का प्रेशर पी वन, ऊपर का प्रेशर पी वन है, तो क्या लिखोगे, पी वन प्लस हाफ रूबी स्क्वायर
हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, तो रूट टू इंटू वी का स्क्वायर, इट इज टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ का प्रेशर पी इक्वल लेवल पे है, कोई एच का डिफरेंस है फाइन, कितना उसका जो ब्लेड होता है वो ब्लेड देखो हाइट कितनी कम होती है, एच को रेगुलेट कर सकते हो, रो जी एच रेगुलेट कर लो, तो यहाँ का प्रेशर क्या बनेगा, यहाँ का प्रेशर बनेगा पी टू, पी टू प्लस हाफ रो बी स्क्वायर। तो काम करो तुम इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो, तो पी टू माइनस पी वन, पी टू माइनस पी वन, और इसको इधर भेजो तो टू बाई टू है ना, ये वन बाई टू है, इट इज वन अपॉन टू रो बी स्क्वायर। पूछे फोर्स कितना आएगा, फोर्स क्या आएगा, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, तो प्रेशर का डिफरेंस ही है, इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू कितनी आ गई, वन पॉइंट टू रू वी स्क्वायर इनटू एरिया। ठीक है, इसको आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 में कह रहा है कि अ बॉल राइजेस टू द सर्फेस ऑफ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन लिक्विड हुज डेंसिटी इज फोर टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ मटेरियल बॉल, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द राइजिंग बॉल एंड इट्स वेट इज। A ball rises to the surface of constant velocity. A ball rises to the surface at constant velocity, liquid density is 4 times greater than that of material on the ball. The ratio of the force of friction acting on rising ball and weight is. देखिए रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द राइजिंग बॉल एंड इट्स वेट इज, तो दिस वन इज तो फोर रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, सिक्स पाई ईटा आरबी, सिक्स पाई ईटा आरबी डिवाइड बाई एम जी का रेशियो चाहिए, mg का रेशियो चाहिए, दैट इज k, मान लो k इक्वल अगर, और कांस्टेंट वेलोसिटी कब होती है, जब नेट फोर्स बैलेंस होता है, मतलब mg नीचे कर होगा, अच्छा मैं इसको हटाता हूँ यहीं पे लिखता हूँ, देखिए तो mg नीचे कर होगा, बायंसी फोर्स ऊपर कर होगा, दिस इज v रो ऑफ लिक्विड v रो इनटू g, mg बायंसी फोर्स ऊपर, विस्कस फोर्स भी ऊपर कर होगा, इट इज 6 पाई ईटा आर इंटू बी, और ये वॉल्यूम है ध्यान रखना, दिस इज द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, तो इसको भी नॉट लिख लो, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम पे कौन किसको बैलेंस करेगा, एम जी बराबर बनेगा और सिक्स पाई ईटा आर बी, आर बी प्लस भी नॉट रो ऑफ वाटर इंटू जी, ये बनेगा। और कह रहा है कि बॉल राइजेस टू द सर्फेस ऑफ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन लिक्विड डेंसिटी इज फोर टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल। अच्छा तो ये अब एक काम करते हैं ना भाई, हमें क्या करना है, सिक्स पाई ईटा आर बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, के इंटू एम जी लिख सकता हूँ, के इंटू एम जी लिख दिया, के इंटू एम जी तो कितना हो जाएगा, एम जी बराबर के इंटू एम जी बराबर, ये क्या है, वी नॉट, वी नॉट सॉलिड की डेंसिटी है, तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होगा, सॉलिड का मास डिवाइड बाई सॉलिड की डेंसिटी, ये सॉलिड का वॉल्यूम है ना, ये एम जी बराबर सिक्स पाइट आर बी प्लस कितना होगा, तो सिक्स पाइट आर बी जब पे मैं के एम जी लिख दिया, के एम जी लिख दिया, अब वी नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, सॉलिड का मास को सॉलिड की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, फिर ये वाटर की डेंसिटी है, ये वाटर की डेंसिटी है इंटू जी, देखो एम जी से एम जी, एम जी कट गया, इसे क्या गया वन बराबर, ये बन गया के प्लस, ये रो डब्ल्यू अपॉन रो एस है, और कह रहा है कि बॉल राइज टू द डेंसिटी फोर टाइम्स दैट ऑफ, फोर टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ मटेरियल, मतलब लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये फोर है, ये फोर टाइम्स ज्यादा है, तो दैट इज अच्छा ओके, इसमें हमने एक मिस्टेक कर दिया, वो राइज कर रहा है ना, राइजेस लिख रहा है, राइज कर रहा है, जब राइज करेगा तो विस्कस फोर्स किधर काम करेगा, विस्कस फोर्स नीचे को काम करेगा, तो आपको ये नीचे को लिखना चाहिए था, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे कौन बैलेंस करेगा, तो mg में ये फोर्स ऐड हो जाएगा और बायसी फोर्स इक्वेट करेगा, तो ये ऐड हो जाएगा इस तरीके से और इक्वेट करेगा इसको, राइज की वजह से ऐसा हो रहा है, जब राइज करेगा ऊपर की ओर तो इसका फोर्स नीचे काम करेगा, तो ये क्या बनेगा, तो अगला जो इक्वेशन यहाँ बनेगा दैट इज प्लस, ये प्लस बनेगा इज इक्वल टू दिस बनेगा, तो ये बनेगा प्लस, ठीक है,
एंड ये इक्वल टू बनेगा, इक्वल टू क्या आएगा, फोर आएगा, क्योंकि फोर टाइम्स कर रहा है ना, फोर टाइम्स कर रहा है, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज थ्री, तो आंसर इज थ्री इंच टू वन, के तो रेशियो है, दैट इज थ्री इंच टू वन, के रेशियो है थ्री इंच टू वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द टू ड्रॉप इक्वल रेडियस आर फॉलिंग थ्रू द एयर, स्टेडी स्टेट वेलोसिटी इतना है, द टू ड्रॉप कोलैप्स देन टर्मिनल वेलोसिटी विल बी, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, टू इक्वल ड्रॉप फॉलिंग थ्रू द एयर विद द स्टडी वेलोसिटी इज 5, तो क्या लिखोगे, 6 पाई ईटा आर बी बराबर एम जी होगा, इसको बैलेंस करेगा, ठीक है। अब देखो, द टू ड्रॉप इक्वल रेडियस आर फॉलिंग, ठीक है, इक्वल रेडियस फॉलिंग, अच्छा मास की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, अच्छा एक काम करते हैं इससे, तो क्या करेंगे, मान लो रेडियस आर वन है एंड वेलोसिटी वी वन है, मास एम वन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन बना दिया, जब दो ड्रॉप को आप कोलैप्स करोगे आपस मिलाओगे तो मास तो डबल हो जाएगा, रेडियस आर टू हो गया, तो हो जाएगा 6 पाई ईटा आर टू वेलोसिटी वी टू, मास तो डबल हो गया तो 2m1 इंटू जी बन जाएगा, मास तो डबल हो जाएगा ना, क्योंकि मास m1 और m1 को मिला दिया आपस में तो 2m1 बन गया, डिवाइड कर दो इक्वेशन को, तो इससे बनेगा r1v1 डिवाइड बाई r2v2 इज इक्वल टू 1/2 बनेगा। अब v1 v2 का रेशियो निकाल लेंगे अगर r के रेशियो मिल जाए तो मास वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये होगा ना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी तो चेंज होगा अगर आपस में लाओगे तो इनिशियल मास m है, फाइनल मास क्या आ गया 2m हो गया, दैट इज रो इंटू 4/3 पाई r2 का क्यूब कर दो, ये r1 है मान लो, इनिशियल मास m1 था, फाइनल मास 2m हो गया, डिवाइड कर दो, इससे क्या आएगा ट्वाइस, मतलब मैंने इसको इसको इसे डिवाइड कर रहा हूँ, तो जब इसको इसे डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, इससे क्या आएगा r2/r1 का क्यूब बनेगा, तो यहाँ पे वैल्यू उठा के प्लेस कर देना, यहाँ पे प्लेस कर देना, आपको v1 v2 का रेशियो आ जाएगा। ओके, थैंक यू।